पलामू प्रमंडल से जुड़ी सभी ताजा तरीन खबरों के लिए सिर्फ एक ही जगह बंसीधर न्यूज। और बंसीधर न्यूज अब YouTube पर भी, नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि पलामू से जुड़ी सभी ताजा तरीन खबरें सबसे पहले पहुंचे आपके पास। नमस्कार, आप देख रहे हैं बंसीधर न्यूज। प्रस्तुत है समाचार। गढ़वा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, भारी मात्रा में बम और बम बनाने वाला सामग्री बरामद। पुलिस अधीक्षक अश्वनी कुमार सिन्हा को गुप्त सूचना मिली कि जहरसराय के जंगल में कुछ संदिग्ध वस्तुएं छिप कर रखी गई है। उसी के आधार पर पुलिस अधीक्षक गढ़वा के नेतृत्व में थाना प्रभारी मंझियाव एवं विशुनपुर थाना प्रभारी अपने सशस्त्र बल के एक टीम गठित कर सघन छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान जहरसराय जंगल के नजदीक पहाड़ी की गुफा में सामग्री को जब्त किया गया। 173 पीस जिलेटिन स्टॉक, 11 पीस इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, 30 किलो यूरिया खाद, एक बंडल इलेक्ट्रिक वायर, लैंड माइनस बनाने वाला गैस सिलेंडर, 3 पीस। छापेमारी में शामिल पुलिस बल अभियान पुलिस अधीक्षक सदन कुमार मंझियाव, थाना प्रभारी रणविजय सिंह, विशुनपुरा थाना प्रभारी सुधांशु कुमार और अन्य पुलिस बल। गढ़वा पुलिस को सूचना मिली थी कि जहरसराय के जंगल में मझियाव थाना में उग्रवादियों का कुछ कैशे है, विस्फोटक का कैशे है। इस सूचना के आधार पर एडिशनल एसपी के नेतृत्व में छापामारी की गई और वहां से नागपुर में निर्मित 173 पीस जिलेटिन स्टिक, जिसे पावर जेल भी कहा जाता है, 11 पीस इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, 30 केजी यूरिया खाद, एक बंडल वायर और 3 लैंड माइंस बनाने के लिए गैस सिलेंडर बरामद हुआ है। इसमें अनुसंधान चल रहा है और जो भी इसमें अभियुक्त अनुसंधान में आएंगे उनके